मैनपुरी जनपद के तिराहे व चौराहों पर भारत बंद को लेकर जगह जगह पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त व चौकन्ना देखने को मिली। वहीं भारत बंद को लेकर सभी दुकानें, मार्केट, मंडियां और दीवानी कोर्ट की व्यवस्थाओं को जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने कानून व्यवस्थाओं को परखा और क्षेत्र भ्रमण कर जायजा लिया। इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ये भारत बंद पूरे देश व प्रदेश में भारी देशबंदी को प्रमाणित करता है कि देश की कानून व्यवस्था व किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश का किसान सरकार के विरोध में खड़ा है व सरकार विरोधी सरकार से किसान बिल वापस लेने की मांग की जा रही है। वहीं सड़क पर उतरी राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के साथ मिलकर समर्थन कर रही हैं कि देश के किसानों को इस तरह मरने नहीं देंगे और किसानों के साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। आइए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जनपद मैनपुरी से कि किस तरह किसान बिल को लेकर जनता व किसान सड़कों पर है और भारत बंदी को लेकर समस्त किसानों ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन हम सब मिलकर सरकार का विरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार इस किसान विरोधी बिल को वापस ले और हम किसानों को आत्महत्या करने से बच सके। देवेंद्र कुमार, मैनपुरी। देखिए, वैसे तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि जितना भी ट्रैफिक चल रहा है या आम दिनों से भी ज्यादा ही आज व्यापार है, क्योंकि हम लोगों की तरफ से एक मैसेज गया था कि सुरक्षा के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। हर जगह हमने फोर्स एहतियातन तौर से लगा दिया है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। सभी दुकानदार बंधुओं से हमारी और डीएम साहब की बात हो गई है और ये भी संदेश सख्त रूप से दे दिया गया है पुलिस को भी और अन्य सभी को भी, यदि किसी की मर्जी के खिलाफ कोई हल्का सा भी कहने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त से सख्त या 7CLA की धारा भी लगाई जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।